हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो हम ब्रेटन साइकिल समझेंगे। बेसिकली ब्रेटन साइकिल पे वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ब्रेटन साइकिल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम क्विज के थ्रू समझते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट यूज़ करता है ब्रेटन साइकिल। स्टीम पावर प्लांट है ना, या थर्मल पावर प्लांट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आपका रैंकाइन साइकिल और ऑटो साइकिल। मालूम आपको कौन यूज़ करता है? आपका पेट्रोल इंजन यूज़ करता है, डीजल साइकिल, डीजल इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर ब्रेटन साइकिल? तो इसमें लिखा है फर्स्ट एयर इज़ कंप्रेस्ड। तो ब्रेटन साइकिल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेटन साइकिल में सबसे पहले कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के बाद कम्बशन चैम्बर होता है। तो कंप्रेसर में क्या होता है, एडियाबेटिकली कंप्रेस होता है और उसके बाद इसमें हीट का एडिशन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देख सकते हैं। ओके, ट्रू फॉर पूछा है तो एयर एक्सपेंड्स इन टर्बाइन रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट एयर इज कंप्रेस रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, तो ये भी सही है। हीटेड एडेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब मैंने इधर तो इसके ये तीन ऑप्शन सही हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वहाँ पे कंप्रेशन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और उसका गैस टरबाइन होती है वहाँ पे भी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब रिवर्सिबली एडियाबेटिक, और हीट का एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है इन द कंबशन चैम्बर। तो ये ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। अब इसमें लिखा है ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ब्रेटन साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं और दो आइसोबैरिक प्रोसेस होती हैं। ठीक है, आइसोबैरिक कहाँ कहाँ पे होता है? आइसोबैरिक एक तो आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू आइसेंट्रोपिक। ओके, आइसोथर्म नहीं होगा, आइसोथर्म आप समझते होगा। आइसोथर्म क्या होता है, वो लाइन जिन पे कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोबार, टू आइसोबार, आइसोबार क्या कहलाते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ठीक है, टू रिवर्सिबल आइसोकोर, आइसोकोर का मतलब जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये नहीं ऑप्शन, टू आइसोथर्म, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आइसोबार्स एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो में के टर्म्स में ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी का फार्मूला सेम होता है एज दैट ऑफ ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल का फार्मूला होता है 1 - 1/r^2 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, तो ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी सेम रहती है सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए। रैंकाइन साइकिल वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है, सॉरी वाटर होता है या वेपर्स होती हैं, और ब्रेटन साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में फेज चेंज होता है क्योंकि वो लिक्विड और गैस के फॉर्म में, लिक्विड या वेपर फॉर्म में, जबकि ब्रेटन साइकिल में फेज चेंज नहीं होता है। तो इसमें ब्रेटन साइकिल अंडर गो फेज चेंज, इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट वर्क ऑन, ठीक है, एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट, तो ये तो सिंपल सा है कुछ, ये थोड़ा आपके थिंकिंग को क्लियर करने के लिए क्विज है। तो ये इसका आ जाएगा, स्टीम पावर प्लांट किस पे वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल पे, और गैस टरबाइन प्लांट वर्क करता है आपको ब्रेटन साइकिल पे। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है कि आईसी इंजन इज एक्सपोज टू द हाईएस्ट टेम्परेचर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि आईसी इंजन में आपका जो प्रोसेस होती है वो डिसकंटिन्यू चलती है, मतलब ये कंप्रेशन हो गया, फिर उसके बाद हीट का एडिशन हुआ, फिर एक्सपांशन हुआ, तो वो बहुत, जब हीट का एडिशन होता है तब हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव होता है, तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव होता है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। और गैस टरबाइन प्लांट इज ऑलवेज एक्सपोज टू हाईएस्ट टेम्परेचर यूज, ये भी बिल्कुल सही है। गैस टरबाइन प्लांट में उसमें क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यूस होती है। ठीक है, कंटिन्यूस होती है, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, इन गैस टरबाइन प्लांट मैक्सिमम टेम्परेचर यूज्ड शुड बी लेस देन यूज्ड इन आईसी इंजन, ये भी सही बात है, क्योंकि वहाँ पे
जो आइसिंग है ना उसमें मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूसली मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, तो आपको टेम्परेचर यहाँ पे कम रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, टेम्परेचर यदि आप ज़्यादा रखेंगे कंटिन्यूसली तो वो मटेरियल को डैमेज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाए और ऑप्टिमाइज। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका V1/V2, जिसमें V1 क्या होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और V2 क्या होता है वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन किसके बराबर होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम के, और V1 क्या होता है टोटल वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्रेटन साइकिल, तो ब्रेटन साइकिल में आप पंप यूज़ नहीं करते क्योंकि आप क्या यूज़ करते हो, कंप्रेसर।